सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स। जितना बड़ा यह अस्पताल है उतनी ज्यादा उम्मीदें भी है। हर व्यवस्था यहाँ माकूल होने का दावा भले किया जाता है, पर सच इससे बिल्कुल इतर है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल होने का गौरव पाने वाले रिम्स के इमरजेंसी विभाग की इस तस्वीर को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मरीज की स्थिति इस वक्त क्या हो। घंटों हाथ में सलाइन की बोतल पकड़े मरीज को एक स्टैंड तक नसीब नहीं हो पा रही है। बुंडू से आग की चपेट में आए 30 वर्षीय मरीज अरविंद महतो के परिजन को सुनिए। भर्ती हुए 3 दिन हो गए मगर एक डॉक्टर मरीज की स्थिति देखने नहीं पहुंचा। वहाँ जा रहे हैं तो उसका ताला लॉक है, कितना 3-4 बार गए, कब बैठता है कब नहीं बैठता है कैसे पता चलेगा। बंद है, ताला लॉक है उसका चैम्बर में। मरीज आपको देखिए इसमें कार्ड में, डॉक्टर एक बार, 3 पेशेंट आए, 3 पेशेंट का डॉक्टर नहीं आ रहा है। लोग बड़ी उम्मीदों से रिम्स आते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर और अत्यधिक मशीनों से मरीज का इलाज हो और मरीज जल्द ठीक होकर अपने घर जा सके। अब एम्बुलेंस में परिजनों को शव ले जाते देख लीजिए। परिवार वालों ने कहा कि इमरजेंसी विभाग में 4 घंटे तक मरीज पड़ा रहा लेकिन उसका बेहतर इलाज नहीं किया। डॉक्टर सिर्फ जांच के लिए मरीज को बढ़ाते रहे और मरीज की मौत हो गई। तो हमारे जेठसाला थे, साला थे, वो सुबह 10:30 वो छत से गिरे थे 2 मंजिला से, और वहाँ से गुमला सदर से वहाँ से रेफर किया गया। हम लोग यहाँ 2 करीब लाए और लाने के बाद फिर यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर साहब डायरेक्ट CT स्कैन और एक्सरे लिख दिए। अगर फर्स्ट एड यहाँ किया जाता तो पेशेंट को बचाया जा सकता था। ये सरासर मेडिकल का लापरवाही है, मेडिकल में सुधार होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। करोड़ों रुपए रिम्स में बेहतर व्यवस्था के लिए खर्च किए जाते हैं ताकि लोगों को रिम्स में बेहतर सुविधा मिल सके, मगर हर बार रिम्स की व्यवस्था पर परिजन और मरीज आरोप लगाते रहते हैं। अब ऐसे में रिम्स के हाकिम रिम्स को एम्स कैसे बनाएंगे, बैच ये समझ के परे। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।